सपोर्ट तो इसका तो पहले एफर्ट्स इसने बहुत किए हैं, मैंने भी बहुत कोशिश की है कि इसको जो ये चाहता है कि इसमें स्पोर्ट्स में इसको थोड़ा सा मैं भी इसको मदद करूं। मेरा नाम शेख उमर इकबाल है, मैं बर्नौल स्कूल में पढ़ता हूँ 10th क्लास में। मैंने रिसेंटली 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। आई एम फॉन्ड ऑफ आइस स्केटिंग, मैं बचपन से आइस स्केटिंग करता था। मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत सारा सपोर्ट है। विदाउट माई फादर इट्स नॉट इट विल नॉट बी पॉसिबल कि मैं आइस स्केटिंग इंटरनेशनल तक पहुँच पाऊँ। ये मेरे पापा की वजह से सब कुछ है, और इसमें हमारे कोच का भी बहुत सारा एफर्ट है। विदाउट आर कोच ये भी मुश्किल था बहुत। उनने हमें आइस स्केटिंग रिंग -20 में हम गुलमर्ग में सुबह 6:30 से वॉक करते थे, 7 तक, फिर 7 बजे रिंग पे जाते थे। कभी दिन में रिंग मेल्ट होता था तो हम रात के इवनिंग में करते थे 2 बजे से सेशन, रात के 2 बजे से सुबह तक। उसी की वजह से मैंने इंडिया के लिए 2 मेडल्स भी निकाले नेशनल में 2013-2015 में, और रिसेंटली पिछले साल मैं इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। तो हमें अब 27 दिसंबर को रिपोर्ट करना है सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए, वहाँ ओपन शॉट ट्रैक सी चैम्पियनशिप है, तो उसी के लिए इंशाल्लाह मैं मेडल निकालूंगा। मैं पहली बार, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, मैं पहली बार इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया। आई एम थैंकफुल टू माई गॉड एंड सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। मैं उनके लिए यही मैसेज कहता हूँ कि वो अपने पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्स इज़ वेरी मस्ट, और स्पोर्ट्स का बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप किसी प्रॉपर स्पोर्ट्स में जाए तो उसका फ्यूचर बहुत सारा है। मुकाबला तो टफ होगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है, और अपने तक भरोसा रखना है कि मेडल इंशाल्लाह निकलेगा, और एक्सपोजर भी बहुत सारा मिलेगा, बाकी मुल्कों के बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलेगा।